मुझे अलग अलग धुनों पर सीटी बजाना बहुत पसंद है। बस करो मैरी, मेरे कान बहरे हो जाएंगे। तुम्हें मेरी धुन पसंद नहीं आई? ये शर्म की बात है। चिंता मत करो, तुम्हारे मुंह में डालने के लिए बहुत कुछ होगा। देखो मेरे पास कितनी सारी आइसक्रीम है, ये कमाल का है। और मेरे पास तीखा च्युइंगम है, ये सही नहीं है? भयानक। मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, तुम शुरू कर सकती हो। असल में मैं मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं इस तरह की चीजों के लिए हड़बड़ी नहीं करूंगी। चलो ठीक है, देखती हूँ कि पैकेट के अंदर क्या है। ओह, ये च्युइंगम इतना तीखा है कि इससे धुआं भी निकल रहा है। शायद ये मुझे पसंद आए, मुझे देखना पड़ेगा। वैसे भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ओह, ये काफी अच्छा है, मुझे ये पसंद आए। अरे लगता है मैं जल्दी निष्कर्ष पर पहुँच गई हूँ, मेरे मुँह में आग लग गई है, कितना तीखा है। अपने पर नियंत्रण रखो मैरी। क्या क्या था? कुछ जलने की गंध क्यों आ रही है? क्या यह मुझसे आ रही है? जरूर मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। लगता है आपकी लपटें बुझ गई हैं। मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। लिली, तुम्हारी आइसक्रीम काम आएगी। तुम कैसी हो मैरी? मैं समझ गई, लगता है कि तुम्हारा सिर जार में फंस गया है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद लिली, आखिर यह सब खत्म हुआ। और अब मैं इस आइसक्रीम को कैसे खाऊं? इस पर तुम्हारे चेहरे की छाप पड़ गई है और तुम्हारी पलकें भी। छी, यह घिनौना लग रहा है। अब मेरे खाने की इच्छा ही मर गई है। इसे वापस देने के लिए धन्यवाद, फिर से लगा लेती हूँ। अब अच्छा लग रहा है, पर मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस आइसक्रीम को पलट देती हूँ और दूसरी तरफ से खाना शुरू करती हूँ। इसे आसानी से जार से निकालने के लिए मैं इसके पेंदी और दीवारों को थपथपाती हूँ और अब इसे उठा सकती हूँ। वाह, यह पहले से भी बेहतर लग रहा है। अब मैं इसे खा सकती हूँ। लगता है मेरा सपना सच हो गया। आइसक्रीम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ नहीं। ओह हाँ, तुम बहुत किस्मत वाली हो मैरी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना स्वादिष्ट है। अफसोस मैं खा नहीं सकती, आइसक्रीम कितनी जल्दी खत्म हो गई। मुझे यह पसंद आया। ओह, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अरे नहीं, लिली को ठंड लग रही है, वो बर्फ की मूर्ति में बदल गई है, उसे गर्म करना होगा। आशा है कि मेरा च्युइंगम इसमें मदद करेगा। लिली, अपना मुंह खोलो, मेरे पास एक आइडिया है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वापस ठीक करने के लिए यही एकमात्र उपाय था। और अब मैं जल रही हूँ। यह इसका साइड इफेक्ट है, कुछ किया नहीं जा सकता है। माफ करना, मैं रोक नहीं सकती। हमारा खाना कहाँ है? देखो वो यहाँ है। ओह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये चॉकलेट फाउंटेन है। मुझे ये तुरंत खाना है। ये सच में चॉकलेट है, मैं गलत नहीं थी। यार ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा क्या चल रहा है लिली? बबल गम फाउंटेन, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। देखो ये कितने सारे हैं, मुझे अभी ये चखना है। कितना मीठा है, ये बहुत अच्छा है। मैं समझ सकती हूँ, ये किस्मत की बात है, मैं रुक नहीं सकती। यहाँ कितने सारे अलग अलग फ्लेवर के हैं। ओ, लगता है गम फंस गए हैं, मैं हटा नहीं पा रही हूँ। यह क्या हो रहा है? मैं यह किसी भी तरह करके रहूंगी। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए थी लिली, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अब तुम्हारा पूरा सिर गम से ढका हुआ है, तुम्हें इसे हटा लेना चाहिए। ओह, तुम इसके बारे में कह रही हो? अब च्युइंगम हमेशा मेरी पहुँच में होगी और साथ ही यह हेयर स्टाइल मुझे सूट करता है। ठीक है, अब मेरे फाउंटेन का समय आ गया है। वैसे यह तुम्हारे च्युइंगम की तरह ही अच्छा है, लेकिन अभी भी किसी चीज की कमी है। समझ गई, अब सब सही होगा। मुझे केक पॉप्स काफी पसंद है, यह काफी स्वादिष्ट है। एंडी, मैं ये ले रही हूँ, धन्यवाद दोस्त। ए, यह मेरा है। देखो मेरे पास क्या है लिली, मैं चॉकलेट के साथ केक पॉप खाऊंगी, है ना अच्छा? और कितनी अच्छी तरह से इसमें चॉकलेट लग रहा है, जैसा कि इसे होना चाहिए। सच में बहुत शानदार लग रहा है, पर मुझे और चॉकलेट चाहिए, खूब सारा चॉकलेट, बिल्कुल इस तरह। वाह, बहुत बढ़िया मैरी, ये बहुत भारी है, मैं गिर रही हूँ। उफ, इस केक पॉप ने मुझे गिरा दिया और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और यह क्या है, नया है? हाँ, तुम्हारी तरह। ओह हाँ, आज हम दोनों एक ही स्टाइल में हैं। पर अब खाना हमेशा पास में होगा, मुझे ये बहुत पसंद आया। और मुझे भी, सुपर।
मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, ये कितना बोरिंग है। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। आखिरकार हमारा खाना आ गया, सुपर। ओ यार ये कितना बड़ा जार है न्यूटेला का, अब मैं इसे खाकर खुश होऊंगी। और यह क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यह अच्छा है कि मेरे लिए सब आसान और स्पष्ट है, बस जार को खोलकर खा सकती हूँ। हाँ मैं अभी कुछ करने वाली हूँ, मैं मीठा चॉकलेट स्प्रेड सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले मुझे ब्रेड को टोस्ट करना होगा। जब यह कुरकुरा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। और जब तक ब्रेड टोस्टर में है मैं न्यूटेला का ध्यान रखती हूँ। सुपर, यह रहा, यह सीधा मेरे हाथों में आया। कितना बड़ा टुकड़ा है, बहुत बढ़िया। यह तुमने कैसे किया, तुमने टोस्टर में ब्रेड का छोटा टुकड़ा रखा था। समझने की कोशिश मत करो, बस इसे स्वीकार करो। खैर अब चलो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट टोस्ट को तैयार करते हैं। न्यूटेला कितनी अच्छी तरह से फैल रहा है, अब इसे अच्छे से ब्रेड पर फैलाने का समय आ गया है। लिली देखो यह कितना सुंदर लग रहा है, यह केक फ्रॉस्टिंग की तरह लग रहा है। अब समय है इसे चखने का। अरे यह क्या हो गया, मेरे हाथों में केवल किनारे वाला हिस्सा आया। आज मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, यह समय है एक सेल्फी लेने का। यह क्या है, ब्रेड का किनारा, पर यह यहाँ कैसे आया, मुझे यह तुरंत हटाना होगा। लगता है कि न्यूटेला से यह काफी भारी हो गया और क्रश बाहर आ गया। खैर इसके बिना भी बेहतर है। चॉकलेट पेस्ट के साथ ब्रेड क्रम खाती हूँ, ये छूने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यह क्रीम के साथ कोई डेलिकेट बिस्किट की तरह लग रहा है, स्वाद भी अच्छा है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। अच्छी बात है कि बहुत सारे हैं, मुझे बहुत खाना है। मैं मुश्किल से अपने आप को रोक पा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरी योजना शानदार थी, अब तुम्हारी बारी है लिली। पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि यह है क्या। ये एक बड़ी बंदूक की तरह दिख रहा है, इसके अंदर कुछ है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ओ मुझे लगता है इसे गम निकलेगा। आशा करती हूँ कि स्वादिष्ट हो, मैं अभी इसका पता लगाती हूँ। वाह यह इतना अच्छा है जितनी उम्मीद नहीं थी। अब एक बबल बनाकर देखती हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वाह क्या सरप्राइज है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। माफ करना लिली पर मुझे कुछ करना होगा। मैं यह जार यहाँ रखती हूँ और तुम इसे अपना टारगेट समझो। तो मुझे क्या करना होगा, ओ मैं समझ गई, मुझे उसमें गम डालनी है। मुझे लगता है मैं ये कर पाऊंगी, चलो शुरू करती हूँ। अरे वाह मैं ये अच्छे से कर पा रही हूँ, मैंने लगभग सेंटर में मारा और ये हो गया। बहुत अच्छा लिली, सबसे जरूरी बात है कि तुम रुको मत, करते रहो। मैं अच्छा निशाना लगाती हूँ, है ना मैरी। ओ हाँ मुझे तुम पर गर्व है, देखो मैंने सीधा लक्ष्य पर निशाना साधा है। तुम क्या कर रही हो लिली। मैं गम खा रही हूँ, अब यह मेरे है, तुमने इसे खुद मेरे जार में डाला है। पर यह सही नहीं है, माफ करना पर यह खेल का यही नियम है, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं थी। ओह मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। शायद इससे तुम खुश हो जा, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे वाह मुझे कितना बड़ा च्युइंगम मिला है, मुझे जल्दी से एक टुकड़ा तोड़ना है। ये स्वादिष्ट है, मुझे तुम पर विश्वास है मैरी, बधाई हो। पर क्या तुम थोड़ा शांत रह सकती हो, इससे मैं परेशान हो रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरी कुकी भी मुझे निराश नहीं करेगी, इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। पर मैं इसे दबा क्यों नहीं पा रही हूँ, लगता है और जोर लगानी पड़ेगी। फिर भी नहीं हुआ, मैं चाकू से कोशिश करती हूँ। आखिरकार यह हो रहा है, मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। चलो देखती हूँ कि यह टुकड़ा कैसा है। वाह यह बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है, मुझे यकीन है कि स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। ओह हाँ यह लाजवाब है, बिल्कुल असली ओरियो की तरह, केवल उससे 100 गुना बड़ा। तुमने मुझे एक शानदार आइडिया दिया, कैसा रहेगा अगर मैं भी अपने गम को चाकू से काट दूं तो। वाह यह हो रहा है, कितना सही टुकड़ा है, यह गम केक की तरह दिख रहा है। अरे हाँ यह केक ही है, मुझे यह कैसे समझ में नहीं आया, केक और क्रीम बस मुंह में घुल ही जा रहे हैं और ऊपर से च्युइंग गम, गजब का कॉम्बिनेशन है। बबल गम केक, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई डिश नहीं होती। मेरा विश्वास करो लिली यह ऐसा है और यह बहुत स्वादिष्ट है, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं हर आखिरी टुकड़ा नहीं खा लेती, बस थोड़े से बचे हैं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बस हो गया, यह बहुत अच्छा था,
अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी गम है। अब समय है बबल बनाने का। वाह, ये बहुत बड़ा है। सुपर। शायद मुझे इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मैरी, आशा करती हूँ कि तुम ठीक हो। अपनी जगह पर वापस आ जाओ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी कुकीज बची हुई है। बॉन एपिटी लिली। रुको, बस करो, मुझे माफ कर दो लिली। बस हो गया, मैं थक गई हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत मजेदार निकला। मुझे लगा जैसे मैं ट्रैम्पोलिन पर कूद रही थी। और अब एक मीठी पार्टी। आखिरकार मुझे एक नई कॉमिक्स मिली है। ये बहुत दिलचस्प है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। वाह, आयरन मैन बहुत अच्छा। ओह, लगता है यहाँ कुछ स्वादिष्ट है। और ये बहुत अच्छा है। ओह वाह, एंडी को फिर से मिल गया। मेरा कहना है कि लड़ाई खत्म करते हैं और इस स्ट्रीट के मज़े। देखो मुझे चॉकलेट बार के साथ कितनी अच्छी मशीन मिली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चुनूं। यह बहुत सारी चीजें हैं। और मेरे पास एक गम मशीन है। यह बहुत भारी है। वाह, यहाँ इनमें बहुत सारे हैं। मैं खुश हूँ। इसे पाने के लिए हैंडल को घुमाना होगा। मैं कोशिश करूंगी। वाह, यह काम करता है। पता नहीं सारे गम का स्वाद कैसा है। सेब की तरह लगता है। और इसके अंदर फीलिंग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो मेरा गम कितना स्ट्रेच करता है। बहुत मजेदार है। बस सुपर। हे, तुम कोई अलग स्वाद क्यों नहीं ट्राई करती? अच्छा आइडिया है। लेकिन अब मैं ये हैंडल घुमा नहीं पा रही हूँ। लगता है जैम हो गया है। मुझे कोशिश करने दो। तुम सही हो, यह काम नहीं कर रहा है। लेकिन कोई रास्ता तो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन को खोला जा सकता है। चलो ये कोशिश करते हैं। आशा करती हूँ तुम सही हो। वाह, यह काम किया। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी मैरी। यह लो, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए यह है। इसे खाओ। और मैं अपने लिए एक साथ बहुत सारे स्वाद का मजा लूंगी। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। मैं अपने मुंह में और भी अधिक गम भरने की कोशिश करूंगी। मैं खुश हूँ कि तुम्हें यह पसंद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मशीन भी मुझे निराश नहीं करेगी। शायद कैंडी बार पाने के लिए बटन दबाने की जरूरत है। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। ओह, यह रहा। वाह, ट्विक्स। वाह, तुमने अच्छे से पंच किया। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता था कि इस तरह से काम करता है। वाह, यह तो मस्त है। मेरे पास पहले से ही दो बार है। यह रुकने का समय नहीं है। चलो जारी रखते हैं। यह बहुत ही रोमांचकारी है। वाह, यह कितने सारे हैं। शाबाश। ठीक है, अब मैंने सारी कैंडीज इकट्ठी कर ली है। अब इन्हें खाने का समय आ गया है। ओ यार, यह कितना स्वादिष्ट है। बस मुंह में घुल ही जा रहा है। ओ, मैं कितनी खुश हूँ। देखो कितना कारमेल है। इसलिए मुझे मार्स इतना पसंद है। लेकिन कुरकुरे कुकीज के साथ मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। ओ हाँ, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। ठीक है, मैं और भी खाऊंगी। मैं चॉकलेट की दीवानी हूँ। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। केवल एक बार बचा है। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें तुरंत खत्म हो जाती हैं। यह सच में मशीन में कुछ नहीं है। ओह, चलो काम करो, मुझे और चाहिए। मैरी, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? चॉकलेट का प्यार किसी दिन उसे बर्बाद कर देगा। यह अच्छा है कि मुझे पता है कि समय पर कैसे रुकना है। इतने सारे च्युइंगम, मैं शायद ही उन्हें गिन सकती हूँ। यह अद्भुत है। देखो केट, कितनी सुंदर और नाजुक चॉकलेट पिरामिड है। मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए। लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी, इसलिए आगे बढ़ो। तुम सही कह रही हो। क्या अच्छा निकला, मुझे पसंद आया। मैं जो कुछ बचा है उसे गिराना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, और थोड़ा और। बस हो गया, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत रोमांचक था। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, देखो मैं कर रही हूँ। यह कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि अब हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो। चलो एक मिनट भी बर्बाद मत करो। मेरा गम बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे गुलाबी रंग पसंद है। कितना नरम और मीठा। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अपनी चॉकलेट को खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना मुलायम है। यह इतनी आसानी से टूट जाता है। वाह, मिल्की स्वाद। हम खुश नसीब है। हे किट, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें मेरी योजना पसंद आएगी।
शानदार, मुझे तुम पर गर्व हो सकता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलो जल्दी शुरू करो, तुम सही कर रहे हो। मैं फेंकती हूँ, तुम पकड़ो। ठीक है, अब हम पारी बदल लेते हैं। अपना मुंह पूरा खोलो, और मैं और नहीं डाल पा रही हूँ। यह क्या है? मेरी शांति से बैठो। आज बिल्कुल मेरा दिन नहीं है, मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर, मैं कभी और कोशिश करूँगी। तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारा निशाना इतना खराब है। तुमने एक बार भी हिट नहीं किया। यह अच्छा है कि चॉकलेट फर्श पर नहीं गिरा। ये न्यूटेला कितना अच्छा लग रहा है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और मुझे एक ट्यूब में गम मिला है, यह भी बुरा नहीं है। मुझे तो ये बहुत ही अलग सा लगता है। यह टूथपेस्ट की तरह है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। वाह, मैं सही थी, तो बहुत बढ़िया है। माफ करना मैरी, लेकिन मुझे अभी बाइट लेना है। सुपर, मुझे इतने स्वादिष्ट होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे और 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 बहुत सारे चाहिए। मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन यह क्या ट्यूब खाली हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या करने वाली हो? क्या मैं उसे काट दूंगी? मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से अंदर कुछ गम बचा है। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती। वाह, लगता है कि मैं सही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितना स्वादिष्ट है। अब न्यूटेला को खाने की मेरी बारी है, पर इसे खोलू कैसे? ओ वाह, ये काम कर गया। तुम इसे आसानी से संभाल सकती हो मैरी। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कर रही हो। देखो मेरा चॉकलेट पेस्ट, ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बस मेरे चेहरे पर मत लगाओ। माफ करना, मैं ज्यादा ही खुश हो गई थी कि ये मुझे मिल गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वादिष्ट है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुमने सही समझा मैरी, तुम चॉकलेट में ढकी हुई हो। हे, मेरे मन में एक आइडिया है। कैसा होगा अगर हम अपने ट्रीट्स को आपस में मिला दे तो? गम और न्यूटेला, हम ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ असामान्य निकलेगा। चलो तुम पहले शुरू करो। मुझे आशा है कि मैं निराश नहीं होंगी। यह अच्छा है। अच्छा, तो हमारी योजना काम कर रही है। मैं बबल बनाने की कोशिश करूंगी और फिर यह अचानक चॉकलेट बन जाएगा। सच में यह जांचना होगा। क्या हो रहा है मैरी? माफ करना, मैं अपने को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हारा बबल फोड़ना चाहती थी। तो क्या ये मजेदार निकला? हम सब गंदे हैं और मुझे ये पसंद है। क्या हमें जारी रखना चाहिए? बेशक, ये रंग वास्तव में तुम पर सूट करता है। किंडर सरप्राइज, वाह यह कितना अच्छा है। ओ, यह क्या है? यह च्युइंगम के लंबे टुकड़े हैं। जिस तरह से लटके हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है। चलो समय बर्बाद मत करो, मैं अपने चॉकलेट को खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशा है कि अंदर एक सरप्राइज है। मैं यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सरप्राइज पसंद है, लेकिन केवल अच्छे वाले। वाह, यह दो हिस्से में है। मुझे किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? शायद इसी के साथ। यहाँ एक चम्मच है। वाह, अंदर एक खिलौना है। मुझे पता था कि अंडे में एक उपहार है। हमें भागों को इकट्ठा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है। मैंने कर लिया। वाह, कितना प्यारा भालू है। उसके पास एक क्राउन भी है। ओ, मैं दूसरे भाग के बारे में लगभग भूल ही गई। सुपर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे दिखाओ मेरी। क्या ये मेरे लिए है? धन्यवाद। वाह, ये अंगूठी बहुत सुंदर है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। यह देखने का समय कि अंडे के दूसरे हिस्से में क्या है। चॉकलेट बॉल क्रीमी पेस्ट के साथ। सुपर, अब चम्मच का उपयोग करने का समय है। मैं उसे चखूंगी। यह कितना मुलायम और क्रंची है। एकदम सही कॉम्बिनेशन। यह अद्भुत है। अच्छी बात है कि तुम्हारे पास और है। हाँ, मुझे याद है, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे लगता है मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी। मुझे चम्मच की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खाऊंगी। अब मुझे मेरा गम खाने दो। मुझे किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? मैं इसे चुनूंगी। आशा करती हूँ कि मैं निराश नहीं होंगी। मुझे ये बहुत पसंद आया। स्वाद को अच्छे से महसूस करने के लिए मुझे और लेना होगा। इतना काफी होगा। ओ हाँ, जैसा मुझे चाहिए था। लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। देखो मैरी, क्या मैं ऑक्टोपस की तरह दिखती हूँ? ओ हाँ, बिल्कुल वैसी ही। कितना मजेदार, मुझे और चाहिए। मुझे अपना गम पसंद है। मुझे ये सब खाना है।
मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना खा सकती हो। मैं इतना इसलिए खा रही हूँ कि मुझे एक बड़ा बबल बनाना है। तैयार हो जाओ, अब तुम देखना। वो वास्तव में बड़ा है, शायद अब रुक जाना चाहिए। हे केट, क्या तुम मुझे सुन रही हो? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह, क्या विस्फोट है! मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हे, तुम ठीक तो हो ना? और यह क्या है? क्या यह मेरा केक है? परेशान मत हो, मेरा भी उतना ही छोटा है, इसलिए मुझे ये चुनौती पसंद नहीं आ रही है। चलो देखती हूँ कि मुझे डेकोरेशन के लिए क्या मिलेगा। वाह, रंगीन न्यूटेला, अच्छा है। मेरा मूड तुरंत सुधर गया। मोनिका, देखो कितने सारे जार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये सभी बहुत ही रंगीन, चमकदार और सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं पीला लूंगी, पर मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। इसके बिना मेरा केक दिखेगा नहीं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देखो यह कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि मुझे और रंग लगाना चाहिए। यह अच्छा लग रहा है, मुझे केक पर ड्रॉ करना पसंद है। सुंदर, पर मैं मुश्किल से इसके डिजाइन को भी देख पा रही हूँ। ठीक से देखो मोनिका, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ये एक मास्टरपीस है। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पहिया घुमा दिया। गमी आइस, बहुत अच्छा है। मैं लकी हूँ। वाह, कितनी बड़ी गमी आंख है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। देखो सूजी, यह कितना मजेदार है ना? खैर, अभी से केक पर सजाने का समय है। ओह, ये तो पूरा दब गया। परेशान मत हो मोनिका, अगली बार तुम जरूर सफल होगी। मैं इसे खाकर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी दुखी हूँ। बेचारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेवकूफ गमी आंख, इसने सब बर्बाद कर दिया। मोनिका, अपने आप को संभालो और खुद को साफ करो। एक सेकंड रुको, यह आईना ले लो। धन्यवाद सूजी, इससे काफी मदद मिलेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे मदद के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं उसे शांत करने में कामयाब रही। अब केक के मजे ले सकती हूँ। उफ, कितना भयानक, मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मुझे पाउडर लगाना है। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओ नहीं, मैंने अपना प्यारा केक उड़ा दिया। ये तुम्हारी गलती है मोनिका, मेरे पास अब कोई केक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और हमारा केक कहाँ है? शायद पहले पहिया घुमाना होगा। चलो शुरू हो जाओ। वाह, किटकैट, इसे तो किसी केक की जरूरत नहीं है। वैसे वह है कहाँ? वाह, कितने सारे चॉकलेट बार, इसे तो गिना भी नहीं जा सकता। ये पूरा टावर है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं पहिया घुमाती हूँ। M&M's, बहुत बढ़िया, हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। मुझे मेरी कैंडी चाहिए। कितना बड़ा पैक है, वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारे केक कहाँ है? वे अभी भी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वाह, कितना बड़ा केक है। ओ मोनिका, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह वास्तव में किसी सपने की तरह है। यह केक कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं इसे पहले सजाती हूँ। मैं इस बार से शुरू करूंगी, पर इससे सारे गिर जाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता था तुम हैरान हो जाओगी। खैर चलो, अपने काम पर लग जाओ। ओ चॉकलेट, ये कितना सुंदर है। मैं रुक नहीं सकती, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चॉकलेट हमेशा से मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें यह याद दिलाना होगा कि केक को सजाने के लिए किटकैट की जरूरत है। तुम मेरे मजा को कैसे खराब करना है यह जानती हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मैं केक पर चॉकलेट बार लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। देखो कैसे बार समान रूप से एक एक करके लगी हुई है। एकदम सही लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ। बहुत बढ़िया मोनिका, अब मेरी चाल। मैं अपनी केक को और भी सुंदर बनाऊंगी, और यह सुंदर चमकीले कैंडी इसमें मेरी मदद करेंगी। मैं बस इसे ऊपर डालती हूँ और यह हो गया। देखो केक तुम्हारे आंखों के सामने बदल रहा है। अब यह पहले से भी बेहतर दिखने लगा है। बस हो गया,
ये एक मास्टरपीस है। तुम सही कह रही हो, मैं केक से आंख नहीं हटा पा रही हूँ। ये बहुत चॉकलेटी और सुंदर है। मुझे लगता है इसके स्वाद लेने का समय आ गया है। मैं पहले से ही कांटे और चाकू के साथ तैयार हूँ। लेकिन तुम मोमबत्तियों के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो। उसके बिना केक कैसा? यह केक मेरा उपहार है। देखो, आज मेरा जन्मदिन है। ओ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। खुश हो जाओ मोनिका, हम उत्सव मना रहे हैं। मोनिका, तुम इतनी दुखी क्यों हो? यह टोपी लो, मुझे आशा है कि तुम इससे खुश हो जाओगी। मुझे इस बेवकूफ टोपी की जरूरत नहीं है, मुझे केक चाहिए। लेकिन असल में यह मेरा है। देखो मोमबत्तियाँ कितने सुंदर से जल रही हैं। मोमबत्तियाँ, आइडिया देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे पेसिफायर चाहिए मम्मी। लगता है सुजी एक साल की बच्ची बन गई है। यह लो, और प्लीज रो मत। स्वादिष्ट। अब वह निश्चित रूप से मुझे पूरा केक खाने से नहीं रोकेगी। मुझे यही चाहिए था, लालची। कोई और मोमबत्ती नहीं, मुझे कैंडी, चॉकलेट और केक में ही दिलचस्पी है। वाह, यह केक अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी से इसे खाने की कल्पना कर रही हूँ। मैं पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या सोच रही हो सूजी, जल्दी करो। ठीक है, मैं बस अपनी कल्पना में खो गई थी। मुझे गुलाबी फ्रॉस्टिंग मिली है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस केक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वाह, क्रीम स्ट्रॉबेरी से बनाई गई है, कितना अच्छा। मुझे यह खाना है। स्वादिष्ट, बहुत मुलायम और मीठा। बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो है। क्या तुम्हें ट्रीट चाहिए मोनिका? हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे हमेशा खाना चाहूंगी। अब मेरी बारी है इस पहिया को घुमाने की। पीला या हरा? दिलचस्प, मुझे आशा है कि इसका स्वाद तुम्हारी तरह ही अच्छा होगा। वैसे वह है कहाँ? तुम्हारे फ्रॉस्टिंग में क्या है मोनिका? ये मुझे अभी नहीं पता, पर यह प्यारा लग रहा है। हमारे केक को सजाने के लिए सब कुछ तैयार है। चलो शुरू करें सूजी। मैं इस क्रीम से बहुत सारे छोटे फूल बनाऊंगी, और मैं भी। फिर हमारे केक मिलते जुलते दिखेंगे। अरे हाँ, दोनों शानदार है। मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा, पर मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अपने कोन को अदला बदली करनी होगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। इसे ये और भी सुंदर और चमकदार निकलेंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। हाई फाइव दोस्त, हमने इतनी मेहनत की है। अब समय है इनाम प्राप्त करने का। चलो अपनी केक खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है। ओ यार, यह कितना मुलायम है। केक बस मुंह में घुल ही जा रहा है। हाँ मेरा भी। इसमें कितने सारे फ्रॉस्टिंग हैं, बहुत बढ़िया। सूजी, लगता है मेरे मुंह में आग लग गई है। और मेरे भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आग? यह क्या था? यह इतना तीखा क्यों है? मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी क्रीम हो। हम नहीं जानते थे कि किस चीज से बना है। शायद तुम सही हो। चलो पता करते हैं। ओ नहीं मोनिका, यह वसाबी है। अब मैं समझ गई हमारे साथ क्या हुआ है। हमें इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। कितना प्यारा रंग है, बहुत सुंदर। क्या मैं पहले पहिया घुमा सकती हूँ? तुम्हें शुभकामनाएं सूजी। धन्यवाद, तुम्हारी शुभकामना ने काम किया। भाग्य सच में मुझ पर मुस्कुराया। मुझे कॉटन कैंडी मिला है, सुपर। इसे खाने में मुझे भी खुशी होगी। नहीं, ये मेरी कॉटन कैंडी है और मैं अपना केक इससे सजाऊंगी। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये मकड़ी के जाल की तरह लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका रंग मेरे केक के साथ अच्छा लगेगा। माफ करना सूजी, पर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हें अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए। मैं तुम्हारी कॉटन कैंडी पर पानी डालूंगी और यह पिघल जाएगी। अब यह सिर्फ एक मीठा दलदल है। चलो जारी रखते हैं। यह क्या हुआ? मेरा कॉटन कैंडी कहाँ गया? मोनिका, मुझे पता है ये तुमने किया है। चलो मुझे दो। तुम क्या कर रही हो? रुको, बस करो। मैं पूरा भीग चुकी हूँ, ये सही नहीं है। तुम्हें मेरे कॉटन कैंडी को नहीं छूना चाहिए था। इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो।
अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। मैं अपने प्यारे केक को सजाना जारी रखूंगी। यह कितना सुंदर है, मुझे यह पसंद है। यह कैंडी बादल की तरह है, मैं इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं सकती। लगभग हो गया है। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे यकीन है कि इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। मुलायम क्रीम और भीगे हुए केक के साथ मीठा फूला हुआ कॉटन कैंडी अच्छी तरह से जाता है। यह डिजर्ट दुनिया की सबसे अच्छी पेस्ट्री दुकान से लाई हुई लग रही है। अपने आप को देखो सूजी, वाह कितनी बड़ी मूछें हैं। अच्छी बात है कि यह मीठे हैं और इसे खाया जा सकता है। मैं अपने केक के बारे में भूल ही गई थी, यह बहुत सारे हैं। मैं भरपेट खा सकती हूँ। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। माफ करना मोनिका, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। मैं बस बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। मेरा पेट इतना भर गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह अच्छा है कि तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है। हुरे, मुझे मीठे स्प्रिंकल्स मिले हैं और वो यह रहा। कितनी बड़ी जार है, इसे जल्दी से खाना है। मुझे यकीन है कि उम्मीद पर खरा उतरेगा। ओह हाँ, यह बहुत मीठा है। मुझे यह पूरा केक पर स्प्रिंकल करने की जरूरत है, इससे यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं यह कर सकती हूँ, मैं असली मास्टर हूँ। मुझे लगता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हारा केक अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओह स्प्रिंकल्स, मैं भी यह खा सकती हूँ। यह एक असली मास्टरपीस है। तुम्हारी केक की तुलना में यह बहुत सुंदर लग रहा है सूजी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओ यार, केक मुंह में एक मीठे बादल की तरह घुल रहा है और टॉपिंग कितनी अच्छी तरह से क्रंच कर रही है। इसे ही स्वाद का संतुलन कहते हैं। रोकना असंभव है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यह बहुत पसंद आ रहा है, मैं भी इसे चखना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, यह लो खाओ। तुमने मुझे पूरा गंदा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा चेहरा क्रीम से ढका हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी मोनिका। ये तुमने क्या किया, अब तो हद ही हो गई। और मुझे लगता है ये बहुत मजेदार है। वैसे गुलाबी तुम पर सूट करता है। यार रुको, मैं पहले जा रही हूँ। मकई के दाने। यह क्या मजाक है, मैं अपने दांत तोड़ने तो यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, फिर कुछ मत खाओ, शायद ये ठीक ही होंगे। नहीं, यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है। चॉकलेट मकई। अब यह तो इंतजार के लायक था। इसकी खुशबू गजब की है। अब तो समय लेकर खाने का कोई फायदा भी नहीं है, मैं सब एक बार में खा जाऊंगी। यह सही नहीं है, मुझे न्याय मिल कर रहेगा। वह भी एक स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ, सब तुरंत बदल जाएगा। तुमने यह क्यों किया मैरी? मुझे पॉपकॉर्न बनाना था। बहुत बढ़िया, मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था यह काम कर जाएगा। बहुत शुक्र है, मुझे लगा हमें खाने के बिना ही छोड़ देते। ओह चॉकलेट मिर्ची। क्या इसका मतलब है मुझे असली वाले मिले हैं? तुम यह कर सकती हो मैरी। अरे नहीं, मैं सही थी, यह करना तो नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें मदद करने के लिए जो कर सकती हूँ वह करूँगी। यह लो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मुझे तब भी बहुत डर लग रहा है इसे चखने में। यह लो मेरी बर्फ है इधर। ओह, इसे सच में काफी मदद हुई, धन्यवाद। अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मेकअप थोड़ा खराब हो गया। लेकिन छोड़ो, मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ, मुझे अपनी डिश खानी है। मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट था।
चलो देखते हैं इस मिर्च के बारे में उसका क्या ख्याल है। सुनो यार, तुम्हारे पास अभी भी एक बाकी है। अरे हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। पता नहीं ये कैसे छूट गया। आह, कितना तीखा है ये। ये लो पानी। मैं बहुत खुश हूँ कि यह कटोरा यहीं पर था। एक चॉकलेट घड़ी, यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे मेरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वाद स्वाद तो बहुत बुरा है। प्लास्टिक तो चॉकलेट के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कितनी लालची है। जब कुछ मीठे की बात हो तो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। देखो यहाँ मेरे पास कितना चॉकलेट है। मैं तो जलन और भूख से पागल हो जाऊंगी। काश मैं समय को पीछे कर पाती। रुको, मैं कर सकती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए धन्यवाद मैरी। अब तो तुम्हें मेरे साथ बांटना ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? ओह, मेरा पेट पूरा चॉकलेट से भर गया है। वो घड़ी मुझे दो। उसे मत छुओ। छोड़ो, ये तुमने क्या किया? हम इतने बूढ़े हो गए हैं। ओह, अब सब ठीक जैसा होना चाहिए था वैसा है। मुझे यह कैक्टस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकती। हमेशा मैं ही बदनसीब क्यों होती हूँ? शायद मैं ये बदल सकती हूँ। अब इस पौधे का थोड़ा मेक ओवर करें। अच्छा आइडिया है। अब इसे खाने का समय। ओह, कितना कड़वा है। लगता है इसके कांटे को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उस स्वाद को हटाना होगा। माफ करना, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। पौधों में पानी देने वाला बर्तन, और वो भी भरा हुआ। अरे, मुझे उसकी जरूरत थी अपने कैक्टस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं बस और बड़ा और बेहतर वाला ले आती हूँ। यह भी चला गया। मैरी, ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ आखिरी बड़ा वाला कैन है। यह मैं ले लेती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। वाह, यह क्या हो रहा है? मैंने कर लिया। मैंने अपने चॉकलेट कैक्टस को और बड़ा कर लिया। यह कितना स्वादिष्ट है। प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ओके, अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू वेरी